नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार के लिए चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि कोविड-19 के मामले कम होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोरोना का आज पहला अपडेट आया है और इस अपडेट में बिहार के 37 जिलों से 404 नए मामले सामने आए हैं। बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में कोरोना का नया विस्फोट देखने को मिला है, साथ ही पटना की भी स्थिति और गंभीर होती जा रही है। बिहार में अब तक 2,57,896 कोरोना के कुल जांच किए गए हैं, जिसमें अब कोरोना के कुल मामले 11,864 हो गए हैं। इस दौरान 90 लोगों ने अपनी जान कोविड-19 की वजह से गंवाई है, तो वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 8,765 है। अगर अभी एक्टिव केसेस की बात करें तो कुल 3,009 एक्टिव केसेस बिहार में कोविड-19 के मौजूद हैं। अगर आज की बात करें जहां कोरोना के नए मामले आए हैं, तो उसमें अररिया से 5 नए केस, अरवल से 3, औरंगाबाद से 4, बांका से 3, बेगूसराय से 52, भागलपुर से 22, भोजपुर से 3, बक्सर से 8, दरभंगा से 5, ईस्ट चंपारण से 3, गया से 9, गोपालगंज से 5, एक हैदराबाद का भी केस है क्योंकि उनका सैंपल बांका में कलेक्ट किया गया था, इसलिए इसे बिहार में ही जोड़ा गया है। जमुई से 10, जहानाबाद से 16, कटिहार से 2, खगड़िया से 6, किशनगंज से 6, लखीसराय से 6, मधेपुरा से 1, मधुबनी से 7, मुंगेर से 12, मुजफ्फरपुर से 45, नालंदा से 22, नवादा से 21, पटना से 38, रोहतास से 1, सहरसा से 9, समस्तीपुर से 5, सारण से 5, शेखपुरा से 3, शिवहर से 3, सीतामढ़ी से 3, सिवान से 10, सुपौल से 3, वैशाली से 29 और वेस्ट चंपारण से 18। इस तरह आज के कुल नए मामले 404 हैं। कोरोना और बिहार से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।